शुभ मंगल सावधान। अरे चल चल, उससे खेलना बंद कर, रस निकाल, मुझे भूख लगी है। ये क्या अवतार क्या है ये? ये टोपी वोपी क्या पहन रखी है? लुकिंग लाइक अ फूल। ये मेरे पूज्य दादाजी की टोपी है। जब भी मुझे उनकी बहुत याद आती है मैं ये टोपी पहन लेता हूँ। रस निकाल। विनय, मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ। सॉरी यार, सॉरी। सॉलिड सॉलिड जुकाम हो गया है। कल बार में बैठा, चार चिल्ड बियर पी लिए, ऊपर से छाता लेके जाना भूल गया, बरसात पे भीग गया, जुकाम हो गया। इसीलिए कहता हूँ ये बियर बार में जाना बंद करो। एब्सोल्युटली राइट, आज से बंद, आज से घर पे बैठ के पीऊंगा। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। अरे मिली जुली, मेरा खाली पेट तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। क्या लाए नाश्ते में, जल्दी दो। एंड्री जी, आई एम सो सॉरी, आज तो हम कुछ नहीं लाए। एक्चुअली आज हमारा खाली डिब्बा वापस ले जाने आए हैं। अब क्या बग्गर वाले है क्या? डिब्बा डिब्बा, कम ऑन यार, हम किसी दूसरे का नहीं, हमारा डिब्बा लेने के लिए आए जो थोड़े दिन पहले हम तुम्हारे यहाँ छोड़ आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिब्बा? लेकिन वो तो हमने आपको लौटा दिया है। अच्छा। नहीं 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 दिलीप जी, वो डिब्बा आप ही के पास है, जरा चेक कीजिए ना, घर में मिल जाएगा। अरे आप ही के पास जरा चेक कीजिए, मिल जाएगा, मतलब हम क्या चोर उचक्के हैं? एड्डी की तरह तुम लोगों के झगड़े में मुझे मत घसीटो, मेरी इज्जत मत उछालो। उछालो इज्जत, जैसे कि इसकी इज्जत है। उछाल क्या? अरे इनाफ इनाफ ना, मेरी इज्जत नहीं है ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अरे कूल यार, अरे क्या कूल, घुट क्या घुट क्या, दिमाग की कोई इज्जत नहीं है, दिमाग टड्डा का टड्डा। बाप रे, और ठंडे दिमाग से सोचो वो डिब्बा कहाँ गया। बाय द वे, आप लोगों को पता है ना वो डिब्बा ब्रास का है। ब्रास का? ब्रास? पीतल? पीतल बाबूली, अरे पीतल का भूल जाओ, दूसरा करी। मामूली विनय जी, प्लीज वो कोई मामूली डिब्बा नहीं है। दरअसल उस डिब्बे के साथ ना हमारी मम्मी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो डिब्बा हमारी मम्मी को हमारी नानी ने दिया था। हमारी नानी जी को ना हमारी मम्मी की नानी ने दिया था, और हमारी मम्मी की नानी की मम्मी को ना उनकी नानी ने दिया था। अभी हमें हमारी नानी याद आ गई, अपनी मम्मी को बोलो डिब्बा गुम हो गया, नया करी दो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मम्मी को हमने बताया नहीं ना कि वो डिब्बा हम यहाँ पर लाए थे। हाँ, मम्मी यही सोचती कि वो डिब्बा डैड ने कहीं खो दिया है। अभी भी जोर शोर से डैड की इंक्वायरी चल रही है। कैसे पिटाई? ये डैड को पीतल के डब्बे के लिए इतना? सॉरी मेरा, आई एम सॉरी। हूँ तेरा। एनीवे, मेरा हुआ क्या? डब्बा डब्बा, मेरी बीवी है ना, उसको अपनी खूबसूरती और मेरी जान से भी ज्यादा एक डब्बा प्यारा। वो डब्बा नहीं मिल रहा। डब्बा नहीं मिल रहा है, डब्बा खो गया, इसकी वजह से तुम्हारा वाइफ है। सॉरी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, एक दफा वो डब्बा चलती गाड़ी में से गिर गया था। पता है उसने मेरे को चलती गाड़ी में से धक्का दे दिया। माय गॉड, दैट्स बैड। फिर क्या हुआ? या डोंट वरी, आई एम वेरी अनलकी सर, मैं बच गया। क्या, कैसे? वो गाड़ी एक नदी के ऊपर से जा रही थी। वो क्या हुआ कि एक मछुआरा जाल बिछाए बैठा था, मैं उस जाल में जाके गिरा। ओह, फिर डब्बा मिला कि नहीं? डब्बा मिला सर, एक महीने बाद मिला। उस एक महीने में मेरी बीवी ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मारा बहुत। नो मत, आई मैन कंट्रोल, आई गिव यू ग्लास ऑफ वाटर। यस, हियर इट इज, पानी पियो। यस, पानी पियो, पानी पियो। डोंट वरी बेटे, अरे मुंह तेरा, अबे पकड़ो। बॉस को पकड़ने के लिए कहे। अच्छा, अरे बैरा जी, क्या बात है, डिब्बा नहीं मिला? ये पहला इंस्टॉलमेंट मिला है।
जब तक डब्बा नहीं मिलता पट्टियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? That's right. I called you because you know हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हम एप्पल में से साबुन बनाने का प्रोजेक्ट, उसका फाइल चाहिए मुझे। लाता हूँ। अरे लाता हूँ, वो फाइल तो हम घर ले गए थे। घर ले गए? ऑफिस का माल घर पे? Not allowed, please. That file is very urgent. You must get it. याद रखना, अगर जो फाइल नहीं मिली ना, तो मैं वसूल करूँगा बराबर। Get out. Okay, sir. Not you. मेरा, you get out. ठीक है सर। बेचारे। तुम दोनों के साथ तो मुझे बहुत प्यार भरी बातें करनी है। फाइल लेकर आते हैं सर। क्या कर रहा है विनय तू? तेरे इस नाक ने मेरे नाक पे दम कर रखा है। अरे जिसका घर जलता है ना, वही जाता है झाड़ को पानी क्यों डाला। क्या मतलब? फाइल मिली? अरे नहीं मिली भाई। अरे कहाँ पे छुपा के रखता है तू फाइल? अरे क्या मुझे क्या मजा आता है गेम खेलने का, छुपाओ फिर ढूंढो, छुपाओ फिर ढूंढो। देख देख दिलीप, अगर ये फाइल नहीं मिली ना तो बॉस मारेंगे। हाँ बॉस मारेंगे नहीं, बहुत सारा प्यार बरसाएंगे। नहीं नहीं, वो क्या है? वो फाइल है। कहीं ये वही फाइल तो नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं? अरे एक ही तो फाइल है पूरे घर में, ये वही फाइल है। चलो चलो चलो। इसे आप ठीक से देखिए जरा और मुझे बताइए ये क्या है। थर्मस? Well tried. ये थर्मस नहीं है, ये डिब्बा है और वो भी मेहरा अंकल का। ये डिब्बा आप लोगों ने लौटा दिया था ना? उसी डिब्बे का ये हम शकल है डिब्बा। Well tried again. Mr. विनय वानरवेड़ा, तुम क्या कह रहे थे कि एंडी चोरों चक्का है, निकम्मा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? हाँ क्या एंडी? क्या नाम? नाम मेरा ठीक से पुकारो। ओके सर जी, एंडी है एंडी। क्या है कि तू भी छोटी छोटी बातें दिल से लगा लेता है। ये डिब्बा अब मेहरा अंकल के पास जाएगा, चोरों के नाम और एड्रेस के साथ। एड्डी क्या है कि अब दोनों जानते हैं कि तेरी भी कुछ मजबूरी है, इसीलिए तू ब्लैकमेलिंग जैसे घटिया गिनोदे। क्या क्या घटिया? अच्छे काम करता है, ये ले आज की कमाई है, ये रख पूरे तेरे, कुछ नहीं मेरे पास। मेरा अंकल क्विक क्विक ये रखो, इसका कुछ करो तुम लोग। हाँ तुम लोग शरीफ लड़के हो, तुम्हारी इज्जत पैसा मिल गया ना, अरे अभी बहुत हो गया, चलो चलो अभी चलो इधर से। गेट लॉस। ये तूने वहां पे क्यों छुपा के रखा? अरे भाई मैं क्यों छुपाऊंगा इसे, मैंने तुझे बताया ना मेरी नजर मुश्किल से वहां तक पहुंचती है, मेरा हाथ कहां से पहुंचेगा वहां? ठीक है हम दोनों ने छुपाया। हां दैट्स बेटर। हां अब इस डिब्बे का क्या करेंगे? क्या करें क्या, मेहरा आंटी को जाकर देकर आते हैं, चलो जल्दी। अरे चलो जल्दी क्या यार, तूने देखा ना मेरा अंकल पे सिर्फ डाउट है डब्बा गुम होने का, तो उनकी हालत जो है गदर के सनी देओल जैसे हो गई है। अगर आप आंटी को जाके बोलेंगे कि आंटी आंटी ये डब्बा देखो मिल गया हमारे पास था, तो हमारी हालत रैम्बो जैसी हो जाएगी, रैम्बो। तो एक काम करते हैं, हम सुबूत को जला देते हैं। नहीं नहीं अरे पीतल, नेस्ट तो नाबूद कर देते हैं इसको। एक ये कागज का नहीं है, पीतल का है। एक काम करते हैं, क्या करें? बैठते सोचते। आइडिया। एक आइडिया भी बोलो। बैठ पर बैठने का टाइम नहीं है अभी। हाँ। पास इसको लात मार। हाँ। अभी क्या करेंगे? मेरा अंकल पे तो डाउट है। हाँ। डब्बा गुम होने का। हाँ। अभी उसी डाउट को हमें ना यकीन में बदल डालते हैं। वेरी गुड। हाँ। लेकिन कैसे? अभी अपन ऑफिस जाते हैं। बेरा अंकल के ना ड्रॉवर में डिब्बा रख देते हैं। कल जब बेरा अंकल ड्रॉवर खोलेंगे देखेंगे डिब्बा, तो बेरा आंटी उसकी बेनिफिट मैच बना डाले। फूको फूको यार फूको। जा जा रख के आ, जा 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 रख के आ, तू भी चल। मैं क्यों? अब दोनों ने किया ना भाभा। नहीं सी दैट इज अगेन अ डिबेटेबल, इट इज नॉट प्रूव्ड। रास्ते में बात करते हैं, वहां डिब्बा रखा है। नहीं हां तो रास्ते में बात करते हो, अलग बात है। बहुत हालत खराब हो जाएगी।
ऑफिस कितना खुला खुला लग रहा है ना। चुप बैठ। अब बोल मेहरा जी कहाँ बैठते हैं? मैं भूल गया। मेहरा जी यहाँ यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हो कौन? अरे मेहरा जी आप घर नहीं गए? नहीं यार, वो डब्बा ढूंढने के लिए रुका हुआ था, परेशान कर दिया डब्बे ने। डब्बा मिला तो नहीं ना? नहीं यार, कहाँ मिला डब्बा, बड़ी मुश्किल है। क्या हुआ? नहीं यार, दरअसल गल ये है कि सर पे इतनी मार लगी है ना, इतना परेशान हूँ, चारों तरफ मेरे को वो डब्बा नजर आ रहा है। अच्छा, देखो क्या हुआ। देखो वहां पर भी मुझे एक डब्बा नजर आ रहा है। आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं 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 नजर आ रहा है। नहीं ना, नहीं लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। सॉरी है, ठीक है, चलता हूँ। खिल रही है कली 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 कली, इधर को इधर को, तुम इधर तुम इधर, जल्दी जल्दी जल्दी। किधर को जा रहे थे? घर घर जा रहे थे? चोरी चोरी चुपके चुपके जा रहे थे? जब चोरी चोरी चुपके चुपके आए थे तो इस लाल कपड़े में लपेटा हुआ कुछ था? था कि नहीं? था कि नहीं? था कि नहीं? था 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 नहीं। बस अब किधर है वो? इधर है, इधर है। कपड़ा पकड़ो। यू नो हु आई एम? नहीं नहीं मालूम। एकनाथ, एकनाथ नाम है मेरा। जी जी है। इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल इंटरपोल का नाम सुना? इंटरपोल नहीं नहीं सुना। वेरी गुड। वहां मैंने 15 साल सर्विस की है वहां मैंने। अच्छा, ऐसे इन 15 सालों में कई लाल कपड़े में लपेटे हुए बॉम्ब पकड़े हैं मैंने। लेकिन एक दिन की बात है, एक लड़की पूरे लाल कपड़े में ऐसी जा रही थी, बाजू में से कोई चिल्लाया व्हाट ए बॉम्ब, और मैंने पकड़ लिया। बस बस उस एक भूल के लिए मुझे निकल आ गया। अब भी निकलते ए, नहीं ये बॉम्ब उठाओ और चलते बनो। ये बॉम्ब नहीं है भाई, बॉम्ब नहीं है, ये उठाओ चलते बनो जल्दी। देखो तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। चैलेंज मत करो, निकल। चैलेंज की बात नहीं है, एक शरीफ इंसान पर तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। देखो ये बॉम्ब, ये देखो खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा। तो इसे यहाँ क्यों लाए थे? यहाँ क्यों लाए थे? चलो निकलो, खाली डिब्बा ला दे। एकनाथ, एकनाथ आज तू फिर फेल हो गया। एकनाथ क्या कर रहा है तू? है भूलिया क्या बगाया है उधर से? सच्ची में ओलंपिक पे भाग रहा था ऐसे लगा मेरे को। कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों को पहले से ही कहा था मैंने कि भाई एंडी जी से पूछो। एंडी जी को अगर पूछते आप लोग तो क्या एंडी जी मना करते आइडिया के लिए? अरे लेकिन आपके आइडियाज बहुत महंगे पड़ते हैं ना भाई। दुनिया में हर चीज के पैसे लगते हैं। चलो अभी एक ब्रिलियंट आइडिया है, पैसे निकालो। शट अप शट अप, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ पहले आइडिया सुनाओ, अच्छी लगी आइडिया तो पैसे जरूर मिलेंगे दिलीप साहब से। भाई तुम मुझे क्या बैंक समझा है क्या? अरे झगड़ना बंद करो, तुम लोग जिंदगी भर झगड़ते ही रहोगे। चलो ऐसे ही सुन लो आइडिया। बोलो। मेरा अंकल के घर जाओ और डिब्बा रख के आओ। वाह वाह वाह, कितना ओरिजिनल, कितना फ्रेश और कितना नया आइडिया दिया है इसने।
अरे बहरा जी के घर जाने को क्या लड्डू है क्या? उनके घर जाएंगे ना सामने से पकड़ के दो डालेंगे आप दोनों को। अरे फ्रंट डोर से जाने के लिए नहीं कहा मैंने। तो? मेरा अंकल का घर फर्स्ट फ्लोर पे है ना, तो गोविंदा करो और जाओ। गोविंदा मतलब डांस? अरे जन्माष्टमी में चढ़ते ना मटकी फोड़ने को, वैसे चढ़ो और मेरा अंकल का घर फोड़ो। वो गोविंदा जब्बाटबी। समझे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पैसे निकालो चलो। पैसे नहीं, अभी तू आएगा वहाँ पे तो पाइप पे चढ़ के दिखाएगा गोविंदा की तरह। दो दिन में वैसे भी नहीं होगा। इसकी तेरी से अब सॉरी। ये जो हमको यहाँ से नजर आ रहा है, ये जो हमको नजर आ रहा है वो मेरा अंकल का घर है। यहाँ जाकर हमको डब्बा छिपाना है। अब इधर आओ। अरे बाप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं तू? अब सुनाई दिया ना? सुनाई दिया। तो यहाँ से हमको गोविंदा करके ऊपर जाके समझ गए। मुझे बोलने दे, तू नीचे खड़ा रहेगा, तेरे ऊपर मैं खड़ा रहूंगा और मेरे ऊपर भी नहीं। चल, चल, चल। अरे बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? तुम दोनों मेरे ऊपर खड़े रहोगे तो मैं तो जमीन के अंदर घुस जाऊंगा। तो क्या आई ओनली हैव टू सॉल्व? विनय तू नीचे खड़ा रहे और तेरे ऊपर हम दोनों। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खड़ा रह सकता। अरे ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नीचे खड़े रहोगे तुम्हारे ऊपर हम दोनों रहेंगे और तुम्हें कहीं अच्छी ऐसे छींक आ गई ना तो हम दोनों पके हुए जामुन की तरह नीचे गिर जाएंगे। अब ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हम तीनों में दिलीप तू सबसे स्ट्रांग और हेल्दी है, बस तू नीचे खड़ा रहे और तेरे ऊपर हम चढ़ेंगे। ओके ओके, ये मुझे सूझा ही नहीं यार। रेडी रेडी जाओ। चल अभी जा। हां चल चल चल, डब्बा संभाल के। डब्बा संभाला, डब्बा संभाला। चल चल वेरी गुड। आ जा। होल्ड इट, यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूं। यार अभी मैं तो कुछ समझ नहीं, मैं जा रहा हूं। अरे पहले एक मिनट। ये क्या हो रहा है? ये वो हम लोग सब समझती हूं मैं, पर्दे के पीछे छुपे हुए हैवान। मैंने नॉवल में पढ़ा। अच्छा, अच्छा। कि अक्सर शरीफ चेहरे के पीछे चोर होता है। चोर, चोर? पुलिस 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 देखो नहीं। क्या कर रही हो? पुलिस पुलिस को क्यों बुला रही हो? हमारी बात तो सुनो सोनू पहले। डायरेक्ट तुम पुलिस को बुला रही हो? अरे भाई हम लोग इधर मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है जन्माष्टमी आएगी ना? क्या? अरे जन्माष्टमी। हाँ तो मटकी जो है ना वो बहुत ऊपर बांधने का हम लोगों का प्लान है। तो यू नो इसलिए। अच्छा, लेकिन वो प्रैक्टिस तो दिन में होती है, ये तो रात है। तो वो तो है, तो अभी वो तो दिन में ही होती है वो। लेकिन दिन में हम लोग नौकरी करते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें रात को ही करनी पड़ेगी। ओ दिन जागे जी जाएंगे, दिन जागे जी जागे, तक जागे चिक्की तक चिक्की। ठीक है, ओके, तो हम लोग करें प्रैक्टिस। हाँ करो। ओके बाय सोनू, बाय बाय। थैंक यू, बाय। ओके चल बाय। गई हाथ ठीक से। अरे हाँ, ब्रिलियंट आइडिया। सुनो, मुझे भी तुम लोगों की टीम में शामिल कर लो। और हाँ, जन्माष्टमी की मटकी फोड़ने के लिए मैं सबसे ऊपर रहूंगी। चलो लेट्स। भाइयों और बहन, आज हम अपनी प्रैक्टिस यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। ठीक है, तो कल मिलेंगे। कल? हाँ, कल मिलेंगे। कितने बजे? यही टाइम पे। तब तक तुम यहीं रहो और मटकी का ध्यान रखो। हाँ। ओके, ओके, ओके। दूरबीन से देखो। चल। लेकिन यहाँ तो मटकी है ही नहीं। एनीवे कल तक, नो प्रॉब्लम। बेला एडी, सचमुच इस डिब्बे को लेकर ना बहुत परेशान हो। मैं सोच रहा हूँ, हाँ दिलीप अच्छा हो गया तो आ गया। मैं क्या सोच रहा हूँ वालू, मैं ना इस डिब्बे के साथ साथ है ना समुद्र में कूद जाओ, ताकि ना रहेगी ये सर्दी और ना रहेगा ये मधुर डिब्बा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे राक्षस की जान तोते में अटकी हुई होती है, वैसे मेरा अंकल की जान इस डिब्बे में अटकी हुई है। मेरा अंकल ये क्या हाल बना रखा है? आप तो पप्पा थे, मम्मी हो गए आप। ओ यार, उस मनहूस डब्बे की वजह से पता नहीं कंबल कहाँ गायब हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा अंकल आप
आप यहाँ क्यों आए हैं? उस सोने के लिए यार, अगर आज रात में अपने घर में सो गया ना तो सुबह उठ नहीं सकूंगा। और मैं आपके हाथ जोड़ा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस जख्मी इंसान को ना मत कहना। अरे ये क्या कह रहे हैं मेरा अंकल आप? अरे आप इसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तुम ये कर क्या रहे हो? मैं रो रहा हूँ। अरे तो अंदर जाके रो ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो यहीं बैठ के रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। जाओ जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज लोगों को पता चलेगा कि पत्नी की सबसे कीमती चीज खोने का अंजाम क्या होता है। ना ना भगवान है ना, तू मेरे को मारना चाहे तो मैं और एक डब्बा लाके देता हूँ तेरे को सोने का। नहीं, मुझे वही डब्बा चाहिए, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी था। तेरी माँ की? प्रॉब्लम यही है ना, मैंने कहा प्रॉब्लम यही है, जब तक वो जिंदा थी वैसे सताती रही, अब ये डब्बा मेरे को सता रहा है। आंटे रुक जाइए, यहाँ से दूर चलिए, ये डेंजर जोन है। आंटी आप अंकल को कितना मारेंगी, उनके शरीर पे इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी आपने। देखो आंटी, उनको मारने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। ले मुए ले। अरे आंटी मैं तो मजाक कर रहा था। आंटी आंटी, अरे अपनी मम्मी को संभालो, ये क्या कर रही हो? संभालो दिलीप जी, ये आप क्या कर रहे हैं? विनय जी को इस तरह क्यों लिपटे हुए? आपको शर्म नहीं आती? मैं बेकसूर हूँ, मैंने लिपटा विनय को, देखो देखो मेरे हाथ, विनय मुझसे लिपटा हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है। My God, विनय को चक्कर आ रहा है? Let's see. Oh, cheaters, I know they are playing a game. चुंगा पुंगी. I'll join you folks in चुंगा पुंगी. Let's play चुंगा पुंगी. Come on. अरे पर ये चुंगा पुंगी क्या है? क्या पता? ये खूबसूरत कॉस्मेटिक्स का ऑफिशियल गेम है. चुंगा पुंगी हो. Very good, very good. What is this? A mara dabba? Meri maa, meri maa. Dabba mil gaya. चुप चुप, दिलीप ने जरा आगे आओ, ये बताओ कि हमारा डब्बा तुम्हारे घर में कैसे आया? वो बताओ बताओ, मुझे अपने सारे जख्मों का हिसाब लेना है। मैं बताऊं? ये डब्बा मैं लाया। क्या? हाँ, और मुझको किसने दिया मालूम है? तुम्हारी स्वीट वाइफ ने। यस यस, भूल गई, इस डब्बे में मेरे लिए तू लड्डू लाई थी, मुझको बोला था कि मेरे बुड्ढे को नहीं बताना। अरे क्या बोल रहे हो आप, लड्डू लाई थी कब लाएगी? मैं आपको झूठ बोल रहे? अच्छा हुआ आपने मेरे को बता दिया, भगवान ने डब्बा तेरे को मिल गया ना। अब ये सोटी जरा मेरे को दे दे। लो जी लो। अब जरा कार चल, मैं तेरे को बताता हूँ कि डब्बा यहाँ कैसे आया। बच गए तुम दोनों, अंकल को थैंक यू बोलो। हम दोनों आपके एहसानों के तले दब गए हैं। सर इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे सर? कैसे चुकाओगे? Only one way out. Let's play चुंगा पुंगी. No!